हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनबूलपुरा में हुई हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। नैनीताल पुलिस उसे काफी दिन से तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वो फरारी के बाद से ही अब्दुल की मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। पुलिस को जब उसकी लोकेशन दिल्ली की पता लगी तो नैनीताल पुलिस की एक टीम ने दिल्ली में छापेमारी करी और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल मलिक जो है जो जिसपे 82-83 कार्रवाई और हुई है और पुलिस काफी जोरों से उसको तलाश रही थी। आज पुलिस ने जो है नैनीताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है। और क्या रिमांड वगैरह होगी अब क्या? अब ये नैनीताल पुलिस जो है टीम अभी उस पर लगी हुई है और नैनीताल पुलिस जो है इसको जल्द ही जो है जो अपना कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक इस मामले में करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल मलिक पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान दंगा फैलाने का आरोप है। अब्दुल मलिक के वकील के मुताबिक उन्होंने अब्दुल की जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई है और बताया है कि जिस दिन हिंसा हुई वो देहरादून में था और उससे एक दिन पहले वो फरीदाबाद में था। पुलिस अब अब्दुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि इस पूरे दंगे की साजिश कैसे रची गई और इस पूरी हिंसा में कौन कौन शामिल था।